लगे तो आप लोग हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और कहिए कि भारत माता की, भारत माता की, गो माता की, गो माता की, गो हत्या बंद करो, बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, बंद करो, टेलीविजन पर अश्लीलता बंद करो, गूगल पर अश्लीलता बंद करो, गूगल पर अश्लीलता बंद करो। वेदों में है ये ऐलान, वेदों का है ये ऐलान, वेदों का है ये ऐलान, संविधान का है ऐलान, संविधान का है ऐलान। बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा और ये दिल की गहराई से मेरे देश के ये प्रतिभावान बहुत ही तेजस्वी बच्चे, मैं आप सबके जीवन की उन्नति की कामना करता हूँ। आप में से सब में से बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आप बनेंगे, देश का भविष्य आपको संभालना है। बच्चे आप लोग योग्य बने, नशे विषयों से दूर रहें और उन्नति करें, पढ़ाई में एक नंबर पर आए, खेल में सांस्कृतिक क्रियाओं में एक नंबर पर आए और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठ करके इस देश को हम और आप मिलकर बदलेंगे। अपनी प्रतिष्ठा रही है हमारे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में, आदरणीय सेवानिवृत्त एसडीएम श्री इंद्र सिंह आर्य जी, हमारे बहुत ही सम्मानित विद्वान आदरणीय डॉक्टर धूप सिंह आर्य जी, हमारे आर्य समाज दीवानी पंचम चौक के प्रधान आदरणीय श्री विमलेश आर्य जी, स्त्री आर्य समाज की प्रधाना आदरणीय बहन विद्यावती आर्य जी, हमारे गांव के यहाँ पर जो आर्य समाज है उसके उप प्रधान मास्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री श्री मुकेश आर्य जी, हमारे नौजवान साथी भूपेंद्र आर्य, शेठ पूरनमल जी और हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन आदरणीय श्री संजय जी, पंडित रामरख आर्य जी, हमारे बहुत ही अच्छे और प्रतिष्ठित साथी जो चैनल भी चलाते हैं, पत्रकार हैं, आदरणीय भाई अनिल लांबा जी, मंच पर विराजमान आर्य समाज के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, हमारे साथी श्री विद्यानंद एडवोकेट जो राजस्थान से संबद्ध हैं और हमारी इस यात्रा में शुरू से चल रहे हैं, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी सौम्यानंद जी आदि वरिष्ठ सभी सन्यासी और लगभग 30-35 सन्यासी और विरक्त जो इस यात्रा में अपना पूरा समय देकर के चल रहे हैं, हमारे आदरणीय भाई रामनिवास आर्य जी जो आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान भजनोपदेशक हैं और पाखंड पर जिनकी अपनी एक प्रखर आवाज है, जो पूरा समय देकर पिछले 6 दिन से यात्रा में सम्मिलित हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपने वहां पर दिए हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर विवेक जी जो रोज यात्रा में अपनी गाड़ी लेकर के रोहतक से चलते हैं, चाहे हिसार हो या कैथल हो और चाहे आज सुबह पहल जहां भी यात्रा पहुंचती है वहीं पहुंच जाते हैं, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूं इस पूरे प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए। हमारी बहनें प्रवेश आर्य और पूनम आर्य जिन्होंने हरियाणा में अपना एक आर्य समाज के व्यक्तित्व के नाते एक स्थान बनाया, हरियाणा सरकार ने 15 व्यक्ति छांटे विभिन्न क्षेत्रों के लिए जिनकी सेवाएं हरियाणा के लिए हुई, जिनको हरियाणा गौरव के रूप में सम्मानित किया गया राज्यपाल महोदय के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उसमें बहन प्रवेश और पूनम आर्य को महिला सशक्तिकरण के रूप में सम्मानित किया गया, जिनको हरियाणा गौरव का पदक दिया। और विशेष बात ये हुई, जो पढ़े लिखे भाई उस जान सकते हैं, हमारे यहाँ जो प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं एससीएस की या और जो बड़ी नौकरियों की, उसमें जनरल नॉलेज में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में एक प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण में
किसकी भूमिका विशेष है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4। उन चारों में एक ऑप्शन प्रवेश आर्य और पूनम आर्य का भी है, ये पाठ्यक्रम में है। और उसका सही उत्तर अगर चारों में से होगा तो वो ये होगा कि प्रवेश आर्य और पूनम आर्य की हरियाणा में महिला सशक्तिकरण विशेष। और जब इन्होंने वहां पर वो अवार्ड लिया, पूरे हरियाणा की कैबिनेट, पूरे हरियाणा के सचिवालय के आईएएस ऑफिसर, राज्यपाल का पूरा स्टाफ, पत्रकार, ताज होटल में, वहां पर इन्होंने 2 मिनट का समय लेकर जब अपना धन्यवाद दिया, अपना साइटेशन पढ़ा, तब इन्होंने एक ही बात कही कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हम तो बहुत साधारण कार्यकर्ता है, महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की कृपा हुई जो हम आर्य समाज से जुड़े, और उसके कारण से ही हम कुछ भी जो कर पाए थोड़ा बहुत, जिसके कारण से आज ये सम्मान हमें मिला। ये हमारा सम्मान नहीं बल्कि ऋषि दयानंद और आर्य समाज का सम्मान है, जिन्होंने समर्थन किया वहां पर। ऐसी बहनें और उनकी बहुत 10-15 बहनें इस यात्रा में लगातार चल रही है। ये यात्रा बहुत ही एक तरह से ऐसी, आप लोगों को बड़ा पता भी लगता होगा कि कैसे लोग हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं और 86 साल से लेके 70 साल के दायरे में सन्यासी है। आप सोचिए, सर्दी पड़ रही है, रात को तो बहुत सर्दी होती है, दिन में गर्म हो जाता है, किंतु सुबह जल्दी उठना, दिनचर्या करना, अपना संध्या वंदन करना और उसके बाद गाड़ियों में चढ़ जाना, 10 जगह उतरना चढ़ना, जिस गांव में भी गए उतरे, 1 घंटा प्रोग्राम किया, फिर चढ़े, फिर चले, और रात को 11 बजे जाकर के बिस्तर मिलता है, और दिन भर नारे लगाना, अपनी बात कहना, मुद्दों पर लोगों के बीच में अपना विचार रखना, एक बहुत बड़ा प्रभावशाली आर्य समाज के विचार को जन जन तक पहुंचाने का ये तरीका है। हम लोग अपने आर्य समाज के उत्सव करते हैं आर्य समाज मंदिर में, वहां चुन चुन करके आर्य समाजी लोग आ जाते हैं, दूसरे लोग सुन ही नहीं पाते हमारी बात, और वो 3 दिन का उत्सव रह जाता है, हमें लोग हर साल उसी उत्सव को स्वयं ही सुनते हैं, हमारे उपदेश सुना जाते हैं। किंतु जब हम लोगों के बीच में निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, गांव के चौपाल पर खड़े होकर के बात कहते हैं, और इस तरह से स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह जहां, ऐसी जगहों पर जहां आर्य समाज के उत्सव होते नहीं, ना वो करवाने वाले आर्य समाजी होते हैं, किंतु जो मुद्दे हैं वो समाज के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि उनको सुनते ही दौड़ करके लोग उसके साथ सुनने के लिए आते हैं। आज मैं कह सकता हूं इस यात्रा में कम से कम 1.25 लाख लोगों ने अब तक सीधा सीधा हाथ उठाकर इन मुद्दों को समर्थन दिया है। पूरे प्रदेश में हर जिले के अखबार अटे पड़े, 6-6 कॉलम की खबरें, फोटो हैं, और उसमें हमारे मकसद लिखे हैं कि क्या लेकर हम चल रहे हैं, और उसको लोग पढ़ रहे हैं। अखबार हर गांव में जाता है, एक एक गांव में 200-200 अखबार बिक रहे हैं, एक जिले के अंदर सैकड़ों गांव है उनमें अखबार जा रहा है, अखबार में मेन खबर जा रही है आर्य समाज क्या कर रहा है। आर्य समाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये जन चेतना यात्रा सबसे प्रभावशाली तरीका है, और इसको हम लोगों ने बहुत पहले से पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी महाराज की प्रेरणा से, वो करते थे, इतने बड़े बड़े जन चेतना यात्राएं निकालते थे, शराब के खिलाफ निकालते थे और मुद्दों पे निकालते थे, तब हमें भी वो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, और आज हम जब यात्रा निकालते हैं उसका बड़ा व्यापक प्रभाव जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी और अभी अच्छी आ गई, ये कैमरा लग रहा है मेरे सामने, ये कैमरा वो है जो दूरदर्शन और टेलीविजन के लोग रखते हैं, साधारण वैसा कैमरा नहीं है, स्पेशली अमेरिका से मंगवाया इसलिए कि इसके ऊपर हमारा विचार लाइव जाए। अब ये व्याख्यान लाइव चल रहा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर कनाडा के टोरंटो राजधानी तक 14 देशों में 5 लाख लोग इस विचार को सुन रहे हैं, और ये लाखों लाखों लोगों तक मैसेज जा रहा है कि आर्य समाज अंगड़ाई लेकर के खड़ा है बुराइयों के खिलाफ, और इसी से ऋषि दयानंद की बात हर घर तक पहुंच रही है, हर व्यक्ति तक पहुंच रही। कल हिसार के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और एक अद्भुत इतिहास ने करवट ली, डीएवी आंदोलन जो कभी 1880 में शुरू हुआ, महात्मा हंसराज पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला लाजपत राय ने जिसको शुरू किया, उस डीएवी के आज 34 लाख विद्यार्थी हैं देश में, 1 लाख अध्यापक हैं पूरे देश में, लगभग 920 स्कूल और कॉलेज हैं उसके,
डीएवी के प्रधान कल वहां हमारे पास थे, वो मुख्य अतिथि थे। मेरी अध्यक्षता में वो समारोह हुआ हिसार में और बहुत विशाल सम्मेलन था, लगभग 8,000 लोगों का समारोह और उसमें कम से कम 10 लाख रुपए का खर्च आर्य समाज नागौरी मेट में किया होगा। इतना विशाल सम्मेलन हुआ कि करीब 70-80 गांव के लोग, सारी संस्थाएं, सारी गौशालाएं हिसार में सीएवी स्कूल के विशाल प्रांगण में एकत्रित हुई और डीएवी के प्रधान ने वहां पर कहा कि जब डीएवी और आर्य समाज दोनों मिलकर के किसी मुद्दे को लेकर चल पड़ेंगे तो देश दौड़ेगा। और उन्होंने कहा है आप जल्दी दिल्ली आइए, हम बैठ करके योजना बनाएंगे। आर्य समाज का जो विचार है, प्रखर विचार, तेजस्वी विचार, अब उसको सामने लाने की जरूरत है। देश इंतजार कर रहा है कि कौन संस्था है जो इस देश की समस्याओं का समाधान दे सकती है। और वो मुझे बहुत उत्साहजनक लगा, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ अपनी बात हमारे इस आंदोलन के साथ जोड़ करके कही। पिछले 12 तारीख से लगभग 50वीं सभा भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हर जगह 40 मिनट 45 मिनट घंटा भर भी हो जाता है बोलना पड़ता है, गला थका पड़ा है, किंतु फिटकरी का जो है रात को थोड़ा बहुत गला सेकने के लिए पानी लेता हूं और भी कुछ लेता हूं ताकि बात पहुंचे। क्योंकि मैं अगर बोलता नहीं हूं तो लोगों में ये शुरू हो जाता है कि भाई बोल क्यों नहीं रहे, बोलिए, नेतृत्व जो करे वो जरूर बोले, इसलिए नहीं तो मेरे साथी बहुत वक्ता है, सब बोल सकते, एक से एक बढ़िया, एक एक घंटा बोल सकते। हमारी दोनों बहनें बहुत प्रभावशाली वक्ता है, ब्रजानंद जी बहुत प्रभावशाली वक्ता, स्वामी जी ये बहुत प्रभावशाली वक्ता है। सारे के सारे लोगों को आप रखोगे, हम 4 घंटे सम्मेलन चलाते रहे तो भी समय कम पड़ जाएगा, किंतु क्योंकि बहुत थोड़ा समय रहता है। यहाँ फिर अगले गांव, अभी हम लेगा में थे, उससे पहले हम चहर कला में थे, उससे पहले हम पहाड़ी में थे, उससे पहले हम पाजू में थे, ढाणा कला में थे और सुबह बहल में प्रोग्राम करके निकले। जहां जहां भी प्रोग्राम है तो इतना बोलने पर भी, किंतु ईश्वर की कृपा है कि हम इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंच गए। कल हमारा समापन है लोहारू में और वो लोहारू वो नगर है जहाँ स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने नवाब लोहारू के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी उस जमाने में, और उनके ऊपर कुल्हाड़ों से गंडासों से वार हुए थे, उनके सिर के ऊपर वार किए थे नवाब लोहारू के गुंडों ने, उसकी पुलिस ने, किंतु बहादुर सन्यासी पीछे नहीं हटा और उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने खुल करके लड़ाई लड़ी। लोहारू में इसका समापन होगा, किंतु समापन नहीं होगा, लोहारू के बाद अगला पड़ाव शुरू होगा पानीपत से पंचकूला, उसके बाद अगला पड़ाव शुरू होगा नारनौल से फरीदाबाद, हरियाणा का कोई जिला नहीं बचेगा जहां पर पहले इसकी अलख ने जगा दी, और उसके बाद हम दूसरे प्रांतों की तरफ बढ़ेंगे। हरियाणा के हर जिले में कमेटियां बन जाएंगी जो इसका फिर शुरू करेंगे आगे इस चीज को बढ़ाने का। इस तरह से ये प्रथम प्रयास लोगों को जागरूक करते हुए हम इन मुद्दों पर इसको आगे ले जा रहे हैं। आपको अभी ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी ने कहा कि हमारे 5 मुद्दे इसमें हमने रखे हैं, मुख्य रूप तो गोरक्षा महाअभियान इसका नाम है, और गोरक्षा के साथ साथ गोरक्षा कौन करेगा जो खुद में सक्षम होगा, क्रांति कौन करता है जो खुद अपने जीवन में क्रांति कर लेता है। यदि एक व्यक्ति शराब के नशे में डूबा हुआ हो, यदि एक व्यक्ति गांजा सुरफा अफीम स्मैक आदि नशे की चीजों का सेवन करता हो, यदि एक व्यक्ति चरित्र से भ्रष्ट हो जाए, यदि एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से समाज में उसका पतन हो जाए, वो कभी भी ना गोरक्षा कर सकता, ना वो अपनी रक्षा कर सकता, ना वो देश की रक्षा कर सकता। इसलिए इस गोरक्षा महाअभियान में हमने 3-4 बातें और इसके अंदर जोड़ी, और वो बातें हैं जो आज समाज की एक तरह से बहुत बड़ी बीमारी की तरह से है। आर्य समाज एक वैद्य है, और वो ऐसा वैद्य है जो बीमार आदमी की नस पर हाथ रख करके पकड़ लेता है कि रोग क्या है। ये भ्रूण हत्या का मामला आज तो केंद्र सरकार ने भी इसको अपना मुद्दा बना लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वप्रथम इस मुद्दे को इस भारत की सरजमी के ऊपर केवल और केवल मात्र चैलेंज से मैं कहता हूँ आर्य समाज ने ये मुद्दा दिया। किसी को नहीं पता था कि माँ के पेट में लड़कियां मारी जाती हैं, और उसका प्रमाण हमने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को 1991 में,
जिस समय जनगणना आई उसमें 1 करोड़ लड़कियों का अंतर था, अनुपात में इतनी कम थी। हमने चिट्ठी लिखी इन लड़कियों के कम होने का कारण क्या है, ये इतनी लड़कियां कम क्यों होगी, कहां गई है? तो केंद्र सरकार के मंत्री का अंग्रेजी में पत्र आता है और वो लिखता है दीज आर मिसिंग गर्ल्स, ये गुमशुदा लड़कियां, हमको नहीं पता ये कहां गई। अब आप सोच के देखिए, एक थाने के अंदर 20-30-40 गांव आते हैं उसके इलाके में, अगर उसमें कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा गायब हो जाए और घर वाले शिकायत करें हमारा आदमी गायब है, मिल नहीं रहा, तो हड़कंप मच जाएगा पूरे थाने में, पूरा प्रशासन की नींद उड़ जाएगी, ढूंढो आदमी कहां गया, कैसे गायब हो गया, किसने किडनैप कर लिया। किंतु देश में 1 करोड़ लड़कियां गायब हो जाए और उसका ये जवाब आए कि हमको नहीं पता कहां है, मिसिंग है, गुमशुदा है, तब हमको लगा कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। और हमने अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को गोपनीय तरीके से अपने तरीके से रेड किया। दिल्ली के बहुत सारे नर्सिंग होम्स में हमारे साथी बैठे दिन भर और वहां देखते रहे यहाँ क्रिया क्या होती है। और जब वहां पर गर्भवती महिलाओं को जांच कराते हुए देखा और जांच कराने के बाद ये इच्छा व्यक्त करते हुए देखा कि हम लड़के नहीं चाहते डॉक्टर, इस लड़की को खत्म कर दो, हमको तो लड़का चाहिए, ये बात जब डिस्क्लोजर हुआ तब हमने अपना पत्र व्यवहार और सरकार से मिलना ज्यादा जारी रखा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1994 में जो पीएनडीटी एक्ट बना है भारत सरकार का, वो आर्य समाज के प्रभाव और दबाव से बना है और किसी संस्था ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। पीएनडीटी एक्ट किंतु वो बहुत ही लचर और अधूरा एक्ट है, उसका कोई प्रभाव नहीं। 3 महीने की उसमें सजा है, वो भी तब जब एपिलेट कोर्ट में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक आप जाओगे, सारी उम्र बीत जाएगी, आदमी को सजा नहीं होगी उसमें। हमने कहा यह गलत है, इसको संशोधन करना चाहिए और अब इस यात्रा में हमने मांग की है जब आज का पैदा हुआ बच्चा भी यदि कोई मार दे उसको इंटेंशन से, इरादे से मार दे, तो उसके ऊपर 302 की धारा लगती है इंडियन पिनल कोड की, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो जाता है तुमने इसको कैसे मार दिया। किंतु मां के पेट में भी भ्रूण जीवित है, वो विकसित हो रहा है, उसमें जीवनी शक्ति है और उसको डॉक्टर खत्म कर देता है, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं। हम कहते हैं इसके ऊपर भी 302 की धारा लागू होनी चाहिए ताकि ऐसे दरिंदे डॉक्टर जो हजारों लड़कियों की जान लेते हैं और मालामाल होते हैं, पैसा कमाते हैं, लोग लड़की भी अपनी मरवाते हैं, पैसा भी देते हैं और लेने वाला डॉक्टर निर्दयी, उसको कोई भी अंदर से थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता कि मैं ये पाप कर रहा हूं, किसी की बच्ची को मारकर पैसे कमा रहा हूं, और ये देश और समाज देख रहा है और कानून वहां पर बिल्कुल मूक है। हमने मांग की है ये कानून आगे आना चाहिए, ऐसी बच्ची को जो पेट में मरवाया जाती है 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर, फिर मालूम पड़ेगा कौन डॉक्टर इसमें हिम्मत। आज भी डॉक्टर चुपचाप किसी न किसी तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है जांच कराने के लिए, वो खास किस्म की टेक्निक है, वो एक किट आती है, वो घर में भिजवा देते हैं और वहीं पर उसकी टेस्ट हो जाती है, पता लग जाता लड़की है, बस इतना ही काफी। उसके बाद तो झूठे सच्चे सर्टिफिकेट लेते हैं कि पेट में जो है इसको बीमारी है, बच्चा मर जाएगा तो ये भी मर जाएगी, इसलिए जरूरी है इसको ले जाना, अबॉर्ट कराना पड़ेगा, और बहाना बनाकर उस बच्ची को मरवाते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर धर्म क्या है, बड़े बड़े कथा कहानी सुनते हैं लोग, मंदिर मस्जिद में जाकर के पूजा करते हैं लोग, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं लोग और कहीं और अनेक तरह के अनुष्ठान करते हैं धर्म के नाम पर, और श्रेयाम बेटियों को मारते हैं, और उधर धर्म भी चल रहा है और पाप भी चल रहा है, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती, कैसे दोनों संभव हो सकती। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आडंबर और अंधविश्वास और अंधेरा है, धर्म का बाह्य रूप है केवल दिखावा है और भीतर पाप छिपा पड़ा है। इस नाते से इस मुद्दे को हमने चलाया, आज भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जगह जगह प्रतिज्ञाएं करवा रहे हैं कि आप लोग प्रतिज्ञा करें, बेटियों को मौका दो। अब देखो कितनी दोहरी मानसिकता, 1 करोड़ लड़कियां परचम फहरा रही, भारत का पहला
ओलंपिक का मेडल एक लड़की लेके आयो साक्षी मलिक, आज तक कोई लड़का लेके नहीं आया। ओलंपिक गेम्स में जहां दुनिया का मुकाबला होता है, भारत का एक भी कोई लड़का मेडल नहीं ला सका, लड़की लेकर आई। और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री ने 2.5 करोड़ का चेक एयरपोर्ट पे जाके उसको दिया, सारा देश खुश हो गया, लड़की ने नाक बचा दी। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं लड़कियां आकाश में हवाई जहाज उड़ाती है, लड़कियां घोड़े के ऊपर बीएसएफ की बटालियन में भर्ती होकर कंधे पे राइफल तान कर रात के 12 बजे जब ऊपर से ओस पड़ रही है, धुंध है, कुछ दिखता नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, बीच में जाली है तार की, और वहां पे घूमती घूमती लड़कियां पहरा दे रही। कहां लड़कियों में कमी है कोई मुझे बताओ? एक तरफ तो ये गर्व और दूसरी तरफ उसके पैदा होने पर भी मुंह बिचकाया जाता है, ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे नीम खा रखा है, घर में शोक हो जाता है, पता लगता है बच्चा हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पत्थर पड़ गए। लड़की का पैदा होना पत्थर पड़ना कितनी बड़ी, ये कितनी अंधी मानसिकता है, दोहरी मानसिकता का व्यक्ति भारत के अंदर आज लड़कियों को मार रहा है। और ये हरियाणा मैं कहना चाहता हूं, सारे देश दुनिया में मैं जाता हूं, दक्षिण अफ्रीका के काले लोग, जुलू जाति के लोग, वहां मैं गया और वहां जब टेलीविजन पर लोग सुनते रहते हैं, इस तरह की चीजें देखते रहते हैं, मुझे पूछने लगे स्वामी जी ये भारत में क्या हो रहा है, लड़कियों को लोग क्यों मार देते हैं? मैं उसका क्या जवाब दूं? और उसमें भी फिर आगे बढ़कर के रिजल्ट आ गया कि हरियाणा इस समय एक नंबर पर है। तो मुझे पूछते आपके हरियाणा को क्या हो गया, ओडिशा जैसे गरीब इलाके, झारखंड जैसे गरीब इलाके। अभी 10 दिन पहले मैं उड़ीसा में था, 10 तारीख की रात की फ्लाइट से मैं दिल्ली आया हूँ, तभी आकर के यात्रा में शामिल हुआ। वहां पर सारे गरीब लोग आते, कोई लड़का लड़की में भेद नहीं करता, किंतु ये हरियाणा आज एक नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा लड़कियां मारी जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है और प्रबुद्ध लोग चुप बैठे हैं, कोई इसका विरोध नहीं करता, घर में कोई विरोध नहीं करता, गली में कोई विरोध नहीं करता, हम क्यों बुराई लें? हम बुराई लेने को तैयार हैं। आपको अगर अपनी गली मोहल्ले में पता लगे कि किसी महिला का अबॉर्शन कराने की तैयारी हो रही है, जांच करवा चुके हैं, लड़की है पेट में, मरवाएंगे, आप हमको एक 50 पैसे का कार्ड डाल दो, मेरा नंबर ले लो, फोन कर दो, ये मेरी जिम्मेदारी है उसकी जिंदगी बचाना। फिर हम देखेंगे क्योंकि कानून नहीं कोई मांग सकता, कानून नहीं कोई जांच कर सकता। इसलिए बुराई के खिलाफ जब तक खड़े नहीं होंगे, आप मत भूलिए कि वो बुराई हमारे सिर के ऊपर आकर के चढ़ेगी। आज बुराई क्यों बढ़ती है? क्योंकि सज्जन लोग बोलते नहीं है, सज्जन लोग जिम्मेदार है बुराई बढ़ाने की। स्वामी जी एक बीच में नहीं बैठो, बाद में आते क्रम टूट जाए, बीच में नहीं क्रम टूट जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बेटा और बेटी का अंतर है, इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं जा सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक था, जब उन्होंने औरतों की तस्वीर देखी कि इनकी हालत क्या है, उनको अनपढ़ रखना, उनको पढ़ने नहीं देना, उनको यज्ञ नहीं करने देना, बाल विवाह करना, सती प्रथा से जीवित औरत को अपने पति के साथ जला देना, सारी उम्र और विधवा रहने का उनको बाधित करना, औरतों को पैर की जूती के समान बना देना, ये तस्वीर जो देखी सब दयानंद के दिल में ही आया, इस अन्याय को मिटाए बिना ये समाज कभी आगे नहीं जा सकता। यदि महिला अनपढ़ रहेगी, यदि महिला का दमन होगा, बच्चे का निर्माण वो क्या करेगी? इस नाते से ये मुद्दा है इस हमारी यात्रा का जिसको हम लेके चल रहे हैं। आज हमारे गाय की हालत क्या है? आर्य समाज तो गाय के बारे में सदा बोलता है, महर्षि दयानंद ने तो स्वयं अपने जमाने में पूरी जिंदगी में, स्वामी दयानंद जी ने अगर परमात्मा को उड़ाना कहीं दिया, अपनी मृत्यु के ऊपर उड़ाना नहीं दिया, समर्पण कर दिया, तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु, ये तुमने क्या लीला कर डाली, अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। किंतु गाय के बारे में वो करुणा निधि में लिखते समय कहते हैं, परमात्मा इन मूक गूंगे इन पशुओं के बारे में तो तुम्हारा भी न्याय बंद हो गया, इनकी तो तुम भी नहीं सुन रहे हो, कौन सुनेगा? स्वामी दयानंद जी को इतना दुख था कि इस भारत की भूमि पर गायों का वध हो रहा है,
और देश आगे चल रहा है। उन्होंने विक्टोरिया को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करके देने का फैसला किया था, किंतु अंग्रेजों ने और बहुत सारे और लोगों ने षड्यंत्र करके महर्षि दयानंद को समय से पहले ही जहर और शीशा पिला करके खत्म कर दिया और उनकी हत्या कर दी। एक तरह से बलिदान हो गया उनका धर्म के ऊपर। तो उन्होंने गाय के बारे में कितना कुछ कहा है, एक गाय अपने जीवन में 4,14,000 आदमियों को भोजन देती है, और अगर उस गाय को काट करके मांस उसका बेचा जाए, खिलाया जाए, तो केवल 80 आदमी अपना पेट भर सकते हैं। ये विचार स्वामी दयानंद ने हमको दिए, परंतु आज हम देखते हैं नहीं देखे नहीं देखे, पहले के पहले बछड़े बैल सांड बूढ़ी गाय हर जगह देखते हैं घूम रही। अचानक अंधेरे में गाड़ी आती टकरा जाए और बेचारी उसमें एक्सीडेंट में घायल हो जाती, थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाती जिंदगी उनकी। उनको चारा नहीं मिलता, कूड़े के ढेर पर पड़े हुए पॉलिथिन के बैग जिनमें कहीं को सब्जियों के सड़े पत्ते हैं, कहीं झूठे हैं, उनके ऊपर जाके वो खाती है तो पॉलिथिन भी भीतर जाते हैं। और पिछले दिनों गाय मरी तो पोस्टमार्टम हुई, उस पोस्टमार्टम में गाय के पेट में 47 किलो पॉलिथिन निकली, ये रिपोर्ट छपी अखबार में। आज गाय की हालत बन गई है। और ये कसाई जो गाय को काटते हैं कितनी बेरहमी से काटते हैं, हम लोग उनको निंदा करते हैं उनकी कि वो कितना बुरा काम करते हैं, किंतु कसाई तो कसाई है, वो तो बुरा करेगा। हमने कौन सा बढ़िया किया कि हमने उनको गाय सौंप दी और वो काट रहे तो हमको परेशानी होती है, किंतु जब हम गाय को उसका रस्सा खोल के बाहर निकाल देते हैं तब हमें क्यों नहीं महसूस होता कि हम गलत कर रहे हैं। आज हर आदमी आर्थिक ढंग से पैसे के ढंग से सोच करके गाय को रखना नहीं चाहता, ये दूध नहीं देती, ये बूढ़ी गाय है, ये बैल किसी काम के नहीं है तो ट्रैक्टर आ गए। कितनी बातें बहाने बनाकर हमने गाय की उपेक्षा करके आज उसकी हालत इतनी दयनीय बना दी है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए हमने मांग की है कि गाय के सम्मान को बनाने के लिए पुणे गाय को भारत में पूरी तरह से लौटाने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जैसे शेर को राष्ट्रीय पशु बना रखा है। आप मुझे बताइए शेर का क्या उपयोग है, वो तो चिड़ियाघर की शोभा बना सकता है या जंगल में घूम सकता है, इससे फालतू शेर क्या उपयोग करेगा। गांव में आ गया शहर में आ गया तो शेर से हम क्या लाभ ले सकेंगे, जरा बताइए। हमको तो मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा शेर है तो, और वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या सोच करके लोग ये निर्णय लेते हमको पता नहीं लगता। इसलिए हम मांग करते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। राष्ट्रीय पशु होने पर उसकी प्रतिष्ठा होगी और उसको कोई मारेगा तंग करेगा उसकी सजा होगी। वो सामान्य केस नहीं होता क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता वो पशु भी, उसको मान्यता मिल जाती सरकार की ओर से। दूसरी बात हम मांग करते हैं कि गाय की अच्छी नस्ल तैयार की जाए, लोगों को गाय उपलब्ध हो सके। हमारे हरियाणा में 2 बड़े बड़े सेंटर है, नेशनल डेयरी करनाल और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, यहाँ से लोगों को ऐसी अच्छी बढ़िया देसी गाय की नस्ल का बीज मिले जिससे कि वो अच्छी नस्ल तैयार करके गाय रखना शुरू करे। हमने ये भी मांग की है बेरोजगार लड़कों को गांव में आप लोन दीजिए और उस पर ब्याज माफ कर दीजिए, बिना ब्याज का लोन लो, गाय पालो, आप उनको ग्रांट दीजिए और उसमें सब्सिडी दीजिए, उनको इंसेंटिव मिलेगा, वो गाय के केंद्र खोलेंगे, दूध पैदा करेंगे, दूध बेचेंगे, गाय का गोबर बेचेंगे, उससे गोमूत्र से रासायनिक जो दवाइयां हैं, कीटनाशक जो दवाइयां वो तैयार करेंगे और लाभ लेंगे, गाय पलेगी और उनका भी रोजगार बनेगा। आप कीजिए इस काम को, हमने ये मांग की है। अब आप देखिए हमारे यहाँ पर मछली पालन, झींगा पालन, सुअर पालन या और बहुत सारे जो इस तरह के हैं उनको पालने के लिए पैसा देते हैं, परंतु गाय के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये मांग रखी है गाय को 1 नंबर पर लाकर हर आदमी के जीवन से जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर पार्क है, गवर्नमेंट राष्ट्रीय पार्क है, डियर पार्क हिरण पार्क है, टाइगर पार्क शेर का पार्क है, एलिफेंट हाथियों का पार्क है, राजा पार्क देहरादून और हरिद्वार के बीच में, कान्हा पार्क है मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा जानवरों के लिए है, किंतु गाय का कोई पार्क नहीं है। हम कहते सरकार की तरफ से गाय के अभयारण्य और बड़े बड़े पार्क बने,
जिन में लाखों गाय रह सकती हैं जो दूध नहीं दे पाती, या बूढ़े बैल हैं, या और भी किस रूप में भी गोवंश, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसके खाद से, उसके गोमूत्र से, इन चीजों से लाभ लीजिए, ये हमने मांग रखी है। और ये मांग इस यात्रा में हम बराबर बराबर उठा रहे हैं, सरकार तक मांग जा रही है, सीआईडी सारी की सारी रोज रिपोर्ट दे रही है, मेरे पास मंत्रियों के फोन आ रहे हैं कि आप एक बार आओ, हम बैठ करके बात करेंगे। तो मैं इस यात्रा के बाद मेमोरेंडम लेकर विधिवत हम पूरी की पूरी बाकायदा कंक्रीट लेकर के मुख्यमंत्री से भी और दिल्ली में भी जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनसे मिलकर के हम ये दावा करेंगे। इस तरफ आप विशेष ध्यान देकर गाय को बचाने का अपना पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा। गाय बेटी और भाई देश के नौजवान, ये जो टेलीफोन है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं इसमें क्या आता है। इसमें एक सॉफ्टवेयर है गूगल, और ये गूगल बीमारी की जड़ है। इस गूगल में वो चीजें आती है जो इस मन से वर्णन नहीं की जा सकती, बहुत अश्लील। भास्कर ने इसके ऊपर सर्वे किया पिछले दिनों अखबार ने, और मुख्य पृष्ठ पर कॉलम दे दिया कि ये जो टेलीफोन का गूगल है इसमें छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध कैसे किए जाते हैं, या स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको ओपन नग्न इसमें दिखाया जाता है। और वो कहता है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, अखबार वाले कह रहे हैं। हम भारत सरकार से कहेंगे इस पर पोर्नोग्राफी पर रोक लगाओ। पार्लियामेंट में 10 दिन पहले हंगामा मचा कि इसके ऊपर पोर्नोग्राफी आ रही है, इसको रोको, ये बर्बाद करेगी बच्चों को। और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने प्राइवेट ने डाल भी दी गई है कि बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उसका सर्वे कहता है ये पोर्नोग्राफी और अश्लीलता देखने वाले 14 साल से 34 साल की उम्र के 54% नौजवान हैं जो इसको देखते हैं। 54% देखने वाले वे हैं जिनकी उम्र 14 साल से 34 साल के बीच की है। अब आप सोच लीजिए कि क्या हालत है आज हमारे देश के बच्चों के, नौजवानों की। जब वो इनको देखते हैं उनके दिमाग में उसी तरह की विकृति पैदा होती है, और वो विकृति खान पान से बढ़ती है। उत्तेजक चीजों का खाना, उत्तेजकशील देखना, उत्तेजक विचार अपने दिमाग में घुमाना, तो आदमी भटक कर कहीं ना कहीं रास्ते चलते हमारी किसी बहन बेटी के ऊपर आक्रमण करता है, और फिर वो बलात्कार का रूप लेता है, और सारे देश में हड़कंप मच जाता है। आज महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की जिम्मेदारी मैं दो बातों की डालता हूँ, एक नशा शराब और एक ये पोर्नोग्राफी अश्लीलता। इसलिए हमने मांग की है आप नए सिरे से भारत सरकार की ओर से प्रसारण मंत्रालय को बिठाइए, सारे फिल्मों का रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए, क्यों ये गंदी फिल्में आती है जिनमें अपहरण, डकैतियां, बलात्कार, हत्याएं, नफरत और गंदे उसमें विज्ञापन छपते हैं, क्यों दिखाया जा रहा है, क्या लाभ है इसका। लाभ होता उनको जिनके बातें दिखा रहे, उनको पैसा मिलता। एक एक हीरो हीरोइन एक फिल्म में 70-70 करोड़ रुपया, 100-100 करोड़ रुपया अपने उसमें वो सीन दिखाने के लिए ले जाते हैं, सारा टैक्स चुराते हैं, और वो आदर्श बना रखे हैं, और सारे देश के बच्चे वो गंदी फिल्में देख देख कर बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं आप अगर संस्कृति को बचाना चाहते हो, संस्कृति का दावा करते हो, तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा कि इस गंदगी को बंद करो। पहले सभ्य परिवार बैठ कर उस गंदगी देख नहीं सकता, ऐसे अश्लीलता के दृश्य आते हैं। और आजकल महिलाओं को विज्ञापन का साधन बना रखा है। मैंने देखा विज्ञापन, एक समुद्र में से एक लड़की निकलती है, युवा शरीर पर वस्त्र नए के बराबर है, और उसके हाथ में सोडे की बोतल है, और वो उछल करके आती है बाहर, और उसके ऊपर फिर कॉर्क दबा करके फौड़ा मारती है उसका, उस सोडे का, और नीचे लिखा आप भी पीजिए ऐसी मस्ती आ जाएगी। ये क्या तमाशा बना रखा है। हमारी स्त्रियां जो बेचारी आज उनको हम कितना माता निर्माता भांति उनको कितना सम्मान हम देते हैं, और ये विज्ञापनों से उनका कितना भरा निरादर करते हैं ये लोग, हमको ये चौंकती है बात। और इतने इसी स्पष्ट और खुली भाषा में मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भी ये बात चुए और आप इस पर आगे आए। विरोध होना चाहिए ऐसे गंदे अश्लील विज्ञापनों का, ये महिला जाति का घोर अपमान है। एक तरह महिलाओं को ये कहते हैं स्त्री जिस घर में महिलाएं होंगी वहां पर देवताओं की पूजा होगी, यह तो नारी स्तूप जनते रमनते तो देवता, और वहां दूसरी तरफ
महिलाओं को विज्ञापन का एक साधन बना रखा है। सारे अखबारों के साप्ताहिक संस्करण उठा लीजिए, क्या छपता है उसमें? हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के जो हॉस्टल में रहते, जाके देखना उनके कमरे में किसके फोटो सजा रखे। दीवार खाली नहीं होगी जिसमें नंगे फोटो ने लगा रखे हो। सारे जो नौजवान इस प्रकार के फोटो लगाकर पढ़ाई करने के लिए बैठेगा कमरे में, उसके दिल और दिमाग में कौन से विचार घूमेंगे, जरा मुझे बताइए। ये सारी की सारी बीमारियां, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये आर्य समाज की चिंता है। अगर देश के नौजवान चरित्रहीन हो गए, देश के नौजवान नशेड़ी हो गए, देश के नौजवान भटक गए, ये देश गुलाम हो जाएगा। लोगों ने कहा है किसी देश को गुलाम बनाना हो उस पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं, वहां के नौजवानों को चरित्रहीन बना दो, वहां के नौजवानों को कमजोर बना दो, भटका दो, अपने आप ही देश गुलाम हो जाएगा, उनको लेना देना ही नहीं पड़ेगा। इस नाते से ये भी मुद्दा हमारा है। और भाई इन सातों बातों के साथ मैं बात को समाप्त करने से पहले हमारे वो पत्र जरूर बच जाए। मैंने 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें सारे मुद्दे स्पष्ट रूप से उन्हीं के द्वारा समर्पित मैंने लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने मन की बात में कहा था कि देश का युवा अकंठ नशे में डूब गया है, वो नशे के अंदर पूरी तरह से सराबोर है और उस नशे से पैदा होने वाला पैसा आतंकवादियों को मिलता है, जो अपनी बंदूक की गोली से हमारे देश के सैनिकों की छाती पर हमले बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बात अपने मन की बात में, तो मैंने उनको स्मरण कराते हुए कहा आप अपनी बात को स्मरण करो। अगर आपको ये लगता है कि ये नशे का व्यापार आतंकवादियों को मदद कर रहा है, तो आपको सारे देश में सब मुख्यमंत्रियों को बुलाकर पूर्ण नशाबंदी पूरे देश में करनी चाहिए। देश के नौजवान को, गरीब किसान मजदूर को इस अपराध से बचाना चाहिए, तब जाकर के देश कुछ आगे बढ़ेगा। ये हमने मांग की है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इसके ऊपर रोक लगाने की मांग की है हमने। मैंने कई लोगों से बात की, कहने लगे स्वामी जी ये मांग अच्छी नहीं है, ये गूगल बंद नहीं हो सकता, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है, गूगल को कौन बंद कर देगा। ये तो हमारे बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट थे नौजवान जो इस विषय को जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी हो सकता चीन में इसके ऊपर जब काम हुआ, गूगल कैसे बंद करें, चीन की सरकार ने फैसला लिया, गूगल को बंद किया और फ्रूगल नाम का एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करके डाल दिया कि चीन में केवल फ्रूगल चलता है, गूगल नहीं चलता। गूगल इस ये जो स्पेस है ये जमीन से भी महंगा है, करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ रुपए में बिकता है ये आकाश, जिसमें सेटेलाइट कैमरे छोड़ रखे हैं दुनिया के मल्टीनेशनल लोगों ने और उनमें सारी गंदगी भरी पड़ी है, उनसे कनेक्शन करके लोग गूगल पर या केबल पर वो सारी अश्लीलता ब्लू फिल्म में नीला जहर लेते हैं और उसको दुनिया को दिखाते हैं। जब हमने ये बात पता लगी कि गूगल बंद हो सकता है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है आप इस पर अपने एक्सपर्ट बैठाइए, अगर गूगल बंद हो सकता हो तो कराओ उसको बंद। प्रोग्राम बना चीन ने, हम क्यों नहीं बना सकते अपना सॉफ्टवेयर, हम क्यों गंदगी आने देंगे? सिंगापुर जैसा छोटा सा देश जो शीशे की तरह से चमकता है, उस देश में केबल से सैटेलाइट कैमरे की गंदी फिल्में नहीं आ सकती। और जब मैंने 20 वर्ष पहले अजीत पांडा मिनिस्टर थे दिल्ली में, 5,000 नौजवानों का जुलूस लेकर हम गए, हमने प्रसारण पर आने वाली गंदगी के लिए मेमोरेंडम दिया और मंत्री जी से जब बात हुई तो कहने लगे ये हमारे बस की बात नहीं, क्या करें, ऊपर से सैटेलाइट कैमरे वाले छोड़ देते हैं और उसको लोग केबल से ले लेते हैं, इसको हम बंद नहीं कर सकते, बड़ी मजबूरी है। हमने कहा आपके बच्चे भी तो देखते हैं उसको प्रोग्राम को, यहाँ देखते हैं, परंतु क्या करें, हमारे हाथ में नहीं, हमने सामान्य रूप से मान लिया। किंतु जब हमने उसकी सारी जानकारी प्राप्त की तो मालूम पड़ा ऑस्ट्रेलिया का इस सैटेलाइट कैमरे का मालिक भारत के प्रसारण मंत्रालय को 100 करोड़ रुपया एक साल में किराया देता था इस बात का कि आप केबल चलाने की इजाजत दे दो, हमारे कैमरे का जो प्रसारण वो चलता रहेगा। सरकार ने मान लिया और हमें झूठ बोल दिया कि हम इसको कर नहीं सकते। इस तरह से जब माइंड में कोई चीज नहीं होगी तो नहीं बदलेगा देश, संस्कृति ऐसे नहीं बच सकती। और भद्दे तरीके से चीजों को ला रहे हो और बच्चे जैसे मिलते उसको पकड़ रहे, आज हर घर में 4 से 8 साल के बच्चे सामने चल पड़े प्रोग्राम, चित्रहार के गाने आते हैं, बच्चे ठुमके लगा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कहाँ क्या करना है,
सारा जो धंधा है इसको रोके बिना देश नहीं बचेगा, ये हमारा मुद्दा है। इसलिए आर्य समाज ने समाज की वो सारी ज्वलन चीजें अपने एजेंडे में ली है जिनके कारण से समाज पीछे जा रहा है। हम अपने आर्य समाज की भी बात कहते हैं, पाखंड के खिलाफ भी हम खूब बात कहते हैं, लोगों को तर्क से बताते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। यहाँ भी नए लोग होंगे, मैं एक ही बात कहते वाणी को विराम देने की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये बहुत सामान्य सी बात है, पढ़े लिखे लोग राशिफल देखते अखबार में और राशिफल है सप्ताह छप्पा, जिसके नाम का पहला अक्षर होगा वो राशि उसकी होगी और उसमें लिखा हुआ जो परिणाम है वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा। मुझे ये कहना है पहले नंबर पर तो ये देखिए कि दुनिया के 700 करोड़ लोग, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई बहाई है, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है, सबके अलग अलग तरीके के आचरण और व्यवहार है, किंतु राशि में सब बराबर है। 12 राशियों में 700 करोड़ आदमी बांध दिए और जब राशि को देखा तो राम और रावण की एक ही राशि और परिणाम अलग अलग। राम की जय जयकार और रावण को पुतला बना के जलाना तो उसकी राशि में क्यों नहीं आया, राम का भी जला गया होता, राशि तो एक ही है। क्यों मानी जाती है राशि? कृष्ण और कंस की एक ही राशि, कृष्ण ने कंस को मारा, कंस राक्षस था, बुराई का प्रतिनिधि था, परंतु राशि दोनों के बराबर है। सूर्यप्रखा और सीता की एक ही राशि, एक उस धारा की एक उस धारा की, किंतु राशि बराबर है। राशि बनाने वाले लोगों ने हमारा माइंडसेट बना दिया और हम अंधे उसी के ऊपर चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग राशि को पाड़ के फेंक दे, ये झूठा कुछ नहीं है इसमें। जन्म पत्री को मरण पत्री स्वामी दयानंद कहते हैं, जन्म पत्री नहीं, ये मरण पत्री है, शोक पत्री, शोक पत्री बताते हैं। इस प्रकार से आज पाखंड बन रहा है और कमाल की बात हो गई, चलेंगे छींक आ गई भाई, अब तो रुक जाओ गड़बड़ होगी, छींक आ गई। अरे शरीर का धर्म है, कुछ ना कुछ कोई श्वास हो जाए उल्टा सूटा, कोई गले में कोई चीज चली जाए, छींक आएगी, वो इसका एक क्रिया है, किंतु छींक आना भी अब सुकून, रास्ता बिल्ली काट जाए तो अब सुकून, और सब चीजें इस तरह से हमें बांध दिया। और सबसे आखिरी में आज पाखंड की सीमा तोड़ दी तब जब राफेल जहाज लेने के लिए गए हमारे मंत्री महोदय, और वो राफेल जहाज बनाया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, जिस पर 500 करोड़ 1500 करोड़ का कितना झगड़ा चला राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बीच में, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, कितना महंगा खरीद लिया, अब महंगा खरीदा तो अच्छी चीज खरीदी होगी, वैज्ञानिकों ने बनाई होगी, किंतु इस भारत के आदमी का दिमाग देखो, जब तक ज्योतिषी जी ने उसको पास नहीं कर दिया अपनी ज्योतिष से, तब तक राफेल जहाज नहीं आया। स्पेशल बिजनेस क्लास का टिकट देकर 3 गुना किराया है बिजनेस क्लास का, मैं पेरिस जाता रहता हूँ, 50,000 रूपये किराया लगता है जाने का, बिजनेस क्लास में 2.5 लाख रूपये लगता है, उसको स्पेशल टिकट दिया और वो गए और वहां जाकर के अपना वही अपना दिग्विजय का सूचक चिन्ह निकाला और नींबू और हरी मिर्च की माला ले गए थे पंडित जी साथ, उसको रखा पैर के नीचे और कहा अब कोई खतरा नहीं, अब राफेल जहाज जहां जाएगा दुनिया को तहस-नहस कर देगा। अब मुझे बताओ कहां चला गया जैसे पाखंड सिर के ऊपर बोल रहा है। और मैं यहाँ ये भी कह दूं, हमारे देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्मी दुनिया के माने हुए आदमी, नाम उनका लेना अच्छा नहीं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित, बीमार हो गए क्योंकि परमानेंट उनको भीतर अवसर का घाव है, बहुत से पहले जो फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे चोट लग गई थी और वो घाव हो गया, वो घाव ठीक नहीं होता, कई बार खाने पीने में असुविधा हो जाए बीमार हो जाते, बीमार हो गए लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टरों का पैनल बैठा क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, तो 10 डॉक्टरों का पैनल फटाफट बन गया, जांच करो सारा और कह दिया स्टेबल है, कोई खतरा नहीं है, किंतु उनकी पत्नी राज्यसभा के 10 साल सदस्य रही, बहुत विदुषी पढ़ी लिखी, उसको डॉक्टरों पर विश्वास नहीं आया, उसको बह रहा कर पतिदेव डॉक्टरों के चक्कर में चले चले, वो पहुंची ज्योतिषी जी के पास और उसे पूछा महाराज बताओ और क्या करना बाकी रह गया, कि इससे बात नहीं बनेगी, इन डॉक्टरों के भरोसे मत रहना,
जाओ यहाँ से जहाज लेके गुवाहाटी, जहाँ पास में कामाख्या देवी मंदिर है और वो मंदिर की पूजा करके आओ, उस देवी की पूजा करके आओ, मनोकामनाएं पूरी होंगी। पता लगा कैसे पूरी होगी वो पूजा, तो कहा बलि मांगती है देवी। और 11 भैंसें, 11 भैंसें, 1 लाख से कम भैंस नहीं आती, उनको कटवाया गया और भैंसों के खून से तिलक किया गया देवी जी का। तब समझ आया कि आप पतिदेव सुरक्षित रहे हैं। और मुझे बताओ धर्म कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये धर्म? क्या ऐसी भी देवियां हैं जो लोगों की जानवरों की बलि मांगती? क्या ऐसे भी देवता हैं जो शराब का चढ़ावा मांगते? भैरव बाबा के यहाँ शराब की बोतल चढ़ती है, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहां गया, मैंने देखा उज्जैन के पास है वो। और वहां एक बेचारी महिला अच्छे परिवार की रही होगी, 2 छोटे छोटे बच्चे, शराब की पूरी बोतल खरीदी उसने 150-125 रुपए की। एक हाथ में कुछ फल थे, ऊपर लंगूर रहते हैं पेड़ों पर, और वो लंगूर यही काम करते हैं कि जब कोई चढ़ावा लेने आते हैं उनपे झपट के उनके फल फ्रूट छीन लेते हैं। लंगूर आए 2 भाग के, एक ने वो केले का थैला छीन लिया, दूसरे ने बोतल छीन ली, और बोतल लंगूर से छूट गई और वही गिर के फूट गई और बह गई वो बेचारी, ऐसा है खड़ी रही बच्चे दोनों साथ। मैंने कहा बहन जी अब ये तो बड़ा बेचारा आपको कष्ट होगा, क्या करोगी? दीदी पैसे भी कम रह गए, अब तो पूरी बोतल नहीं तो छोटा कोई पौवा लेके आती, देवता को देना नहीं पड़ेगा। बाहर गई और छोटा बोतल लेके आई और ला करके वो फिर चढ़ाया। और चढ़ाने का तरीका क्या था वो सुनो, मूर्ति का तरीका ये बना रखा कि उसके मुंह में 1/4 1/4 शराब चढ़ाते, 3/4 रख लेते। वो इसलिए रख लेते कि ये चरणामृत है देवता जी का, ये सारे घर वालों को इसका प्रसाद खिलाना है, बच्चों को भी आचमन कराना है, सबको भी कराना है, और भी इसको बैठ के खाए पिएंगे, और देवता जी को तो 1/4 गई। वो 1/4 शराब मुंह में से नीचे चली जाती, जहाँ उसका मार्बल का बहुत बढ़िया टैंक बना रखा है जिसमें दिन भर में 1000 लीटर शराब जमा हो जाती है, हजारों लोग चढ़ाते, और वो सारी शराब जो वहाँ के पंडित पुरोहित बैठे हैं, वो रात को जब मंदिर बंद होता है तो उसको सारे को निकाल कर फिर बोतल भरते हैं, और बाहर जहाँ लग रहा है काउंटर वो वहीं चली जाती है। वही शराब बार बार पैसा पैदा करती है, आनंद हो रहे हैं उन सबके, और लोग मूर्ख उसको चढ़ा रहे हैं दारू। और मुझे बताओ देश कहाँ जा रहा है? आर्य समाज ये बातें कहता है तो लोग इधर उधर करके, क्योंकि माइंड सेट बना लिया, नहीं देवी देवताओं के बारे में ऐसा कह दिया तो ये हो जाएगा, ये देवी देवता है नहीं, ये पत्थर के हैं, ये मनुष्य ने बनाए हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं है, ये कोई आपकी चीज खाते पीते नहीं है, ये कोई बोलते नहीं है, आपकी बात का उत्तर नहीं देते हैं, ये खाई चीज को टट्टी करने नहीं जाते हैं, कुछ भी तो नहीं करते। आप उनको नमस्ते करो, माथा टेको, वो क्या जवाब देते हैं आपको? कुछ नहीं देते। इस नाते से ये पाखंड आर्य समाज इसका विरोध करता है, और ये जब तक नहीं हटेगा हम विज्ञान तर्क और बुद्धि विवेकपूर्ण बातों की तरफ नहीं आएंगे, और इससे देश पतन की तरफ जाएगा। एक निबंध लगे तो आप हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और कहिए कि भारत माता की, भारत माता की, गो माता की, गो माता की, गो हत्या बंद करो, बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, टेलीविजन पर अश्लीलता बंद करो, गूगल पर अश्लीलता बंद करो, गूगल पर अश्लीलता बंद करो। वेदों में है ये ऐलान, वेदों का है ये ऐलान, वेदों का है ये ऐलान, संविधान का है ऐलान, संविधान का है ऐलान। बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा, और ये दिल की गहराई से मेरे देश के ये प्रतिभावान बहुत ही तेजस्वी बच्चे, मैं आप सबके जीवन की उन्नति की कामना करता हूँ। आप में से सब में से
बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आप बनेंगे। देश का भविष्य आपको संभालना है। सारे बच्चे आप लोग योग्य बने, नशे विषयों से दूर रहें और उन्नति करें। पढ़ाई में एक नंबर पर आए, खेल में सांस्कृतिक क्रियाओं में एक नंबर पर आए और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठ करके इस देश को हम और आप मिलकर बदलेंगे।